चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। एमपी के रीवा में पीएम मोदी की मौजूदगी में 4.11 लाख आवासों का गृह प्रवेश। बोले, देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अखिलेश से मिले बिहार के सीएम नीतीश, बोले सभी के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। कोरोना ने फिर बदला स्वरूप, बच्चों में भी मिला संक्रमण। नए सब वेरिएंट के 9 राज्यों में 116 मामले मिले। विश्व टीकाकरण सप्ताह, टीका लगाना जरूरी ताकि बीमारी की नजर न लगे। 30 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। तेलंगाना में गरजे शाह, भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा, गृह मंत्री का बड़ा बयान। कर्नाटक चुनाव, सीटों के बंटवारे को लेकर मची अंदरूनी कलह, भाजपा कांग्रेस ने उड़ाया एक दूसरे का मजाक। चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगा पानी का संकट, ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा केंद्र में आते ही हटा देंगे जीएसटी। नहीं चाहते भविष्य में कोई अनपढ़ देश का पीएम बने, बच्चों के शिक्षा पर करेंगे खूब खर्चा, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। मणिपुर में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, चौथे विधायक ने सरकारी पद छोड़ा, सीएम से नाराज हैं एक खेमा। गैस उपभोक्ताओं को राहत, सीएनजी में 8 और पीएनजी में 5 रुपए की कटौती। अडानी गैस और एमजीएल ने घटाया दाम, नई कीमतें रात 12 बजे से लागू। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। पाकिस्तान पर दोहरी मार, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर, मंदी के बाद कोरोना का भी सता रहा डर। मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की हो सीबीआई जांच, 1 करोड़ लोग पीएम को लिखेंगे पत्र, अभिषेक बनर्जी। महाराष्ट्र गद्दारों की धरती नहीं, पाकिस्तान भी बता देगा असली शिवसेना किसकी। उद्धव ठाकरे का सीएम शिंदे पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का होगा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गाँव में होगा मैदान। पीएम पोस्ट खाली नहीं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे सीएम केसीआर पर अमित शाह का बड़ा वार। अब कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में परोसी जाएगी शराब, तमिलनाडु सरकार लाई खास लाइसेंस। बस एक क्लिक से मिलेगा पर्सनल लोन, सरकारी बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू की नई सर्विस। भतीजे अजीत पवार की वफादारी पर अब चाचा को भी शक, शरद पवार बोले आज है कल हो या ना हो पता नहीं। 7 दिनों में गोल्ड हुआ 1500 रुपये सस्ता, चांदी में 4% से ज्यादा गिरावट। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, सिद्धारमैया बोले अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, अभिषेक बनर्जी 2 महीने तक करेंगे जनसंपर्क अभियान, जनमत से उम्मीदवारों का होगा चुनाव। बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान का असर सब्जियों पर पड़ने लगा, 300 रुपये किलो हुआ नींबू, परवल और भिंडी के खुदरा रेट भी पहुंचे आसमान पर। अब अंतरिक्ष से हर घंटे होगी वायु प्रदूषण की निगरानी, नासा स्पेस एक्स ने शक्तिशाली उपकरण टेम्पो को किया लॉन्च। अपराधी माफिया हो गए अतीत, यूपी बना सुरक्षा खुशहाली का प्रतीक, सहारनपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम केयर में सरकारी कंपनियों ने डाले 2900 करोड़ से ज्यादा, पेट्रोल गैस कंपनियां सबसे बड़ी दानी। आईपीएल के बीच केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाया सख्त नियम, अब लोग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बीजेपी को करना होगा हीरो से जीरो, नीतीश के साथ बैठक के बाद ममता बोली आइए बिहार में करते हैं मीटिंग। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है एक और खुशखबरी, जुलाई में डीए बढ़ोतरी की उम्मीद। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बोल से टेंशन में कांग्रेस, कहा चुनाव हारने वाले लगाते हैं ईवीएम पर आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रचार को धार देंगे पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तवा तौर रैलियां। फर्जी एसएमएस और लिंक के जरिए हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को जारी किया अलर्ट। यूपी निकाय चुनाव, मुस्लिमों पर सभी का फोकस, सपा भाजपा के अलावा बीजेपी भी रुख भापने में लगा रही एरी चोटी का जोर। नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए 2000 नालों की सफाई पर जोर, नई योजना के तहत शहरी कार्य मंत्रालय करेगा सहयोग। बुलडोजर सियासत पर सीएम भूपेश का सवाल, बीजेपी तय करे कि उनके नेता मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश सीएम कन्या विवाह में अब सामान के बदले मिलेगा 49,000 का चेक, विभाग ने कलेक्टर को दिए निर्देश। पीएम मोदी ने विंध्य को दी 17,000 करोड़ की सौगात, मध्य प्रदेश में अब नहीं दिखेगी डीजल रेल इंजन।
नीतीश कुमार ममता बनर्जी की नवान्न में बैठक पर भी प्रेस शुभेंदु अधिकारी, कहा बन रहा करप्शन यूनाइटेड फ्रंट। हर साल 24 हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन करेगा भारत, रक्षा सचिव ने किया नई इकाई का उद्घाटन। देश के 70% से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं सस्ते घर, 32% का बजट 90 लाख से कम। महाराष्ट्र सीएम शिंदे और मैं राजनीति के असली पहलवान, कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र। दिल्ली से हरिद्वार 90 मिनट में, केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा दिसंबर से शुरू होगा नया एक्सप्रेसवे। उत्तराखंड कम खर्चे में रिवर राफ्टिंग का उठाए आनंद, गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर शुल्क 3 साल के लिए माफ। श्रमिकों को DTC बस का फ्री पास देगी दिल्ली सरकार, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दिया अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% का कोटा। 10 दिन में 7% सस्ता हुआ कच्चा तेल, जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। बीजेपी हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार, 40% लेती है कमीशन, 40 सीटों पर जाएगी सिमट, राहुल गांधी। खाद्य वस्तुओं में नरमी से 6% के नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई, कच्चा तेल बढ़ा सकता है सिरदर्द। केरल में 64,000 से ज्यादा परिवारों के अत्यंत गरीब के रूप में हुई पहचान, सीएम आज करेंगे यह घोषणा। यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई, 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। राजस्थान 25 लाख महिलाओं को 30 अगस्त से मिलेगा फ्री स्मार्टफोन, 24 अप्रैल से 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली 1 जून से। दिल्ली में बिना POC सर्टिफिकेट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, होगी 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना। अमित शाह बोले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, KCR की पार्टी का स्टीयरिंग अवैसी के हाथ, BRS सरकार की उल्टी गिनती शुरू। किसान आंदोलन से देश में फैला था कोरोना वायरस, BHU रिसर्च का चौंकाने वाला दावा। पाकिस्तान का खौफनाक प्लान, पुछ हमले के बाद वहीं से 30 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी। लैब में बनाया जा रहा है कोरोना से भी भयंकर वायरस, एक गलती और मच जाएगी तबाही, फिर कम पर जाएंगे कब्रिस्तान। जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, सपा ने चुनावी गाने से योगी मोदी पर साधा निशाना। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का हो ज्यादा इस्तेमाल, स्मार्ट खेती से होगा किसानों को फायदा, CM भूपेश बघेल। अकाली दल का दावा, पंजाब में 200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, दिल्ली की तर्ज पर हो कार्रवाई। 12 से 15 रैलियां और रोड शो, कर्नाटक में 6 दिनों में ऐसे BJP के लिए माहौल बनाएंगे मोदी। नई गति सीमा के साथ रूट साइन का ढांचा भी बदलेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय राज्यों के साथ करेगा नया मॉडल साझा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगा पानी का संकट, ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। जी हाँ, देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई गई है कि अत्यधिक भूजल दोहन, अत्यल्प जल संरक्षण और ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालय नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार देश का 41.82% हिस्सा सूखाग्रस्त है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों से वर्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसलिए खेती किसानी के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है एक और खुशखबरी, जुलाई में DA बढ़ोतरी की उम्मीद। जी हां, महंगाई भत्ते पर सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की थी। जुलाई 2023 में अगली DA बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। सातवें वेतन आयोग मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है, इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 45% तक किया जा सकता है। वहीं इससे पहले यह दर 38% थी मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 से पहले के महीनों के लिए। AICPI IW डेटा जारी करने के बाद जुलाई 2023 की अपेक्षित DA DR दर जारी किया जाएगा। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, या पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जी हां, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है, जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को 1 दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस नए तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर अपने घर से ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात कर तो दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक शहर में 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनमें ऑटो रिक्शा, कैब और दोपहिया वाहन शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों से खुलासा हुआ है, अब पंजीकृत वाहनों में 1900 और 1901 के पहले पंजीकृत वाहन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक अन्य आदेश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।